Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel, E-commerce Scholar. Today's topic is difference between coordination and cooperation. आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें आज हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की तो कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि टू सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में वो जो इंसान इंडिविजुअल काम कर रहा है ना सारी की सारी रिसोर्सेज को सिंक्रनाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन एक वॉलंटरी एफर्ट है। कोऑपरेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोऑपरेशन, भारत में कितने विलेजेस हैं, इंडिया में कितने गांव हैं, इंडिया में नंबर ऑफ विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली 6,50,000। तो 6,50,000 जो विलेजेस हैं, तो आपने देखा होगा गांव में क्या होती है शादियां, और शादियां नॉर्मली क्या होती है, कोऑपरेटिव मैरिज होती है। कई बार, मैं हर बार की बात नहीं कर रहा हूं, शहर के कंपेरेटिव गांव में थोड़ा ज्यादा कोऑपरेटिव मैरिज होती है क्योंकि गांव में थोड़ी गरीबी ज्यादा है। तो कोऑपरेशन का वॉलंटरी एफर्ट है जहां पे आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन में करना जरूरी है तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सारे रिसोर्सेज के साथ, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके अपना गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो। अब कोऑपरेशन इज वॉलंटरी एफर्ट। आइए डिफरेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है मीनिंग। आप देख सकते हैं सबसे पहला डिफरेंस में आ रहा है मीनिंग। अब मीनिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में बोल रहे हैं कि इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है उनको क्या करना, ब्रिंगिंग टुगेदर, साथ में लेकर के आना, इंटीग्रेट करना, सिंक्रोनाइज करना, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। और अगर मैं बात करूं कोऑपरेशन की तो कोऑपरेशन में कह रहे हैं इट रिफर्स टू वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। तो ये वॉलंटरी एफर्ट है एक इंडिविजुअल का जो दूसरे की मदद करना चाहता है, दूसरे को हेल्प करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपका कोई फ्रेंड है जिसका काम थोड़ा सा बचा है और आपका काम कंप्लीट हो गया, तो आप अपनी मर्जी से बोलते हो यार चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन। आपने उसकी हेल्प कर दी, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन। उसने आपको बोला नहीं करने के लिए और मैनेजमेंट का कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर, ये आपका खुद का विल था, खुद की चॉइस थी कि आपने क्या किया, उसकी हेल्प की, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन। दूसरा नेचर की अगर हम बात करते हैं, नेचर में बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन में इट इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एक्शन ऑफ मैनेजर्स। तो कोऑर्डिनेशन जितने भी मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका कॉन्शियस एफर्ट है और उनका डेलिबरेट एक्शन है, वो जानबूझ करके क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं हर तरीके की रिसोर्सेज को सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, उनको इस हिसाब से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर तरीके से हो, जो भी प्लान किया गया है वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। अगर चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इट इज अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कोऑपरेशन की तो इसमें के लिए वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज का वॉलंटरी एफर्ट है क्योंकि एम्प्लॉइज ने एक तो अपना काम परफॉर्म कर लिया जो भी उनका काम था, ड्यूटी था, अब उनकी मर्जी है कि वो दूसरे की मदद करना चाहते हैं कि घर जाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं मर्जी हेल्प करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते वो उनकी चॉइस है। तो दिस इज कोऑपरेशन, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनकी खुद का वॉलंटरी है, अपना मर्जी है। तीसरा अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंस, तो कोऑर्डिनेशन के लिए इंटरडिपेंडेंस की बात की गई है कि कोऑर्डिनेशन इट इज इंटरडिपेंडेंट अपॉन कोऑपरेशन एज इट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना इनकम्प्लीट है। इन्होंने बोला कि ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपना रोल परफॉर्म कर रहा है अपने लेवल पे वॉलंटरली और मिला जुला करके, चीजें क्या हो रही है, कोऑर्डिनेट। एक बार फिर से देखें, इट इज इंटरडिपेंडेंट अपॉन कोऑपरेशन एज इट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना अधूरा है, पूरा है। और अगर हम बात करें कोऑपरेशन की तो उसमें कह रहे हैं इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन कोऑर्डिनेशन एज इट इज मीनिंगलेस विदाउट इट। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। इन्होंने बोला कोऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के बिना मीनिंगलेस है,
इसी मतलब का मीनिंग। इसके आगे अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए, रिलेशन में कह रहे हैं इट इज अचीव्ड थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। तो कोऑर्डिनेशन फॉर्मल रिलेशन या इनफॉर्मल रिलेशन बना करके आप अचीव कर सकते हो। फॉर्मल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इनफॉर्मल, कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं इनफॉर्मल का। तो इनफॉर्मल जो भी आपका रिलेशन है उससे आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके का कोऑर्डिनेशन हासिल कर सकते हो। और अगर हम बात करें कोऑपरेशन की, इट अराइजेस आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशंस, क्योंकि ये वॉलंटरी है, क्योंकि इसमें किसी का प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहां ये फोर्सफुली नहीं होता, ये विलफुली होता है, ये बाय चॉइस होता है। तो इन्होंने बोला इट अराइजेस आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशंस, नॉर्मली इनफॉर्मल रिलेशंस के बेसिस के ऊपर ही होता है। इसके बाद करें अगर हम स्कोप की, तो कोऑर्डिनेशन के लिए बोला गया कि कोऑर्डिनेशन हैज अ वाइडर स्कोप क्योंकि इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन का वाइडर स्कोप इसलिए है क्योंकि कोऑपरेशन क्या इंक्लूड करता है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को इंक्लूड करता है। और अगर हम कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन में बोला जा रहा है इट हैज अ नैरो स्कोप क्योंकि एज इट इज टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। तो कोऑपरेशन का नैरो स्कोप है, उतना अच्छा खासा कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से कोऑपरेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म होता है। उसके बाद लास्ट में रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो इन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि इट इज एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि जहां पे ग्रुप होता है, वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर, तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, वरना क्योस हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और चीजें फिर प्लान वे में नहीं होगी, सिस्टमैटिक नहीं होगी। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना ही करना पड़ेगा। कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेशन में इट्स अ वॉलंटरी इन नेचर, इट अराइजेस ओनली व्हेन पीपल डिजायर टू वर्क टुगेदर। मतलब समझ में आया आपको, इसका मतलब क्या हुआ, कोऑपरेशन मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिल करके कोई काम करना, इट्स माय चॉइस, आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, दिस इज वॉलंटरी। और ये क्या है, ये कोऑपरेशन है। तो ये क्या है, इन्होंने बोला कि वॉलंटरी इन नेचर, इट अराइजेस व्हेन द पीपल डिजायर, चाहते हैं किसी के साथ काम करना। तो ये बेसिक डिफरेंस था। आपको आज मैं आंसर लिखने का एक पॉइंट भी बताना चाहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, या यूनिवर्सिटी लेवल में 20 मार्क्स में पूछा जाए या 15 मार्क्स में पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे। अगर आप स्कूल गोइंग चाइल्ड हो, अगर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है, तो मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं आपको, 5 कम से कम 5 मार्क्स में पॉइंट्स लिखने जरूरी है। आप सबसे पहले नहीं लिखोगे डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर एज फॉलोज। उसके बाद ऐसी तरीके का आपको स्केड्यूल बनाना है। मैंने पॉइंट्स बड़े बड़े लिखे हैं, होपफुली आपको दिख रहा हो और आप ये पॉइंट्स पढ़ पा रहे हो। अगर आप पढ़ सकते हो तो अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, और मैंने आपको समझा भी दिया होता क्या है। तो 5 मार्क्स में आपने लिखा डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर एज फॉलोज, उसके बाद आपने इसे बना दिया, काम खत्म हो गया। ये 5 मार्क्स के लिए था। आपको बेसिस बनाना बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आपको बेसिस के बेसिस के ऊपर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को समझाना बहुत जरूरी है। तो 5 मार्क्स के लिए है। अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स के लिए या 15 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए भी, तो अगर 10 मार्क्स की बात करूं तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन को पहले 2 लाइन में समझाओगे, कोऑपरेशन को पहले 2 लाइन में समझाओगे, उसके बाद ये डिफरेंस लिखोगे और कोशिश करोगे कि ये डिफरेंस को थोड़ा और एलाबरेट कर दो, ठीक। ये 10 मार्क्स के लिए। अगर 15 और 20 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे 5 से 6 लाइन का। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से कोऑर्डिनेशन, अंडरलाइन करोगे, उसके बाद ब्लू पेन से इसको आप एक्सप्लेन करोगे, कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड। इस तरीके का आप इसका डेफिनेशन दोगे, इनके पॉइंट्स थोड़े से आप 2-4 लाइन में एक्सप्लेन करोगे। सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है कोऑपरेशन के लिए, और कोऑपरेशन का ये जब आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरीके का आपको क्या करना है, एक स्केड्यूल बनाना है। और इस स्केड्यूल को बनाने के बाद, ये डिफरेंस बताने के बाद, आप क्या करोगे, पहला पॉइंट है मीनिंग, आपको हेडिंग डालनी है मीनिंग और इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड पॉइंट नेचर लिखना है, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है छोटे से छोटे पैराग्राफ में। सेम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 6 पॉइंट्स। ऐसा करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे आपसे कुछ एक्स्ट्रा ही उम्मीद की जाती है। और जो 20 मार्क्स या 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें हमको थोड़ा सा और एलाबरेट करने की जरूरत है, तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखने की जरूरत है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार कॉपीज चेक की है,
तो बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, वो पैराग्राफ में डिफरेंसेस लिख करके चले आते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जब आपसे सवाल पूछा कि डिफरेंस बताइए, तो आपको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में इसी हिसाब से स्केड्यूल बना करके आपको डिफरेंस देने की जरूरत है। होपफुली आपको ये टिप अच्छा लगा हो आंसर देने का, इसको जरूर अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।